हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस एल। अब हम देखेंगे सीसा डेस्क के बारे में। सो ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये सीसा डेस्क है। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस एंड एसएससी के लिए। सो इसमें एक्सप्लेन करेंगे हम सीसा डेस्क के बारे में, जो कि सीसा डेस्क जो है ये क्या करते हैं ना, 17 ईयर्स के बाद ये दिखाई दिया है, जो कि यूएस में। सो इसमें देखेंगे हम व्हाई दे टेक सो लॉन्ग टू गेट द विंग्स। ओके, सो उनको 17 साल क्यों लगता है, इतना जो है टाइम क्यों लेता है बाहर आने के लिए। सो इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम देखेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे, आफ्टर द इमर्जिंग फ्रॉम द ग्राउंड इन द बिलियंस, द सीसा डेस्क सेड देयर, क्या करता है ना, उनका क्या है ना, आउटर जो स्किन है उसमें विंग जो है विंग फॉर्म करने के लिए वो बाहर आते हैं। ओके, सो ये एक क्या है ना, ब्रूड ऑफ द पीरियोडिकल सीसा डेस्क है, जो कि ब्रूड मींस क्या है ना, जो बच्चे है। ओके, जो किड्स होते हैं। सो ये जो होते हैं, ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये जो है नोइजी करते हैं, ये बहुत नोइज करता है। एंड द ब्रीड अंडरग्राउंड फॉर द 13 to 17 ईयर्स आर एक्सपेक्टेड टू एमर्ज इन टू द सम स्टेट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए। सो बेसिकली क्या है, ये 13 से लेकर 17 साल जो है ये लेते हैं, लॉन्ग टाइम पे लॉन्ग जो पीरियड लेते हैं, जो कि ये क्या है ना, अंडरग्राउंड में रहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा जो इंसेक्ट है जो कि 13 to 17 ईयर्स क्या है ना, अंडरग्राउंड में रहता है। सो उसका जो है अंडरग्राउंड में 13 to 17 से रह के सब कुछ उसमें करता है, एंड फिर 17 साल के बाद 13 to 17 ईयर्स के बीच में क्या है ना, बाहर आता है। सो दिस ईयर क्या है ना, ग्रुपिंग जो है डॉप्ड ब्रोक्स आई एक्स जो है एमर्ज हुआ है, जो कि आफ्टर द स्पेंडिंग ऑफ द 17 ईयर्स अंडरग्राउंड। ठीक है, अभी इस साल क्या है ना, यूएस में दिखाई दिया है कि जो कि 17 साल के बाद ये जो है अंडरग्राउंड से निकले है, कहाँ पे ना, ये स्टेट इन द जो कि साउथ वेस्ट वर्जीनिया एंड पार्ट ऑफ ये जो कौन सा पार्ट ऑफ द नॉर्थ कैरोलिना एंड वेस्ट वर्जीनिया। ओके, सो इसमें दिखा दिया है कि नियरली 1.5 मिलियन जो है सीसा डेस्क जो है पर एकड़ में दिखाई दिया है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द वर्जीनिया टेक, पीपल लिविंग इन दिस एरिया विल बी एक्सपीरियंस ए यूनिक नेचुरल फिनोमिनम। एंड ये जो है 2003 में दिखाई दिए थे, फिर अभी क्या है ना, 2020 है, तो अभी रिसेंटली दिखाई दिए, तो मीन्स 17 साल के बाद ये बाहर आए ग्राउंड वाटर जो है ग्राउंड से। ओके, सो पहले देखना पड़ेगा व्हाट आर द सीसा डेस्क। सीसा डेस्क है कि क्या है ना, इंसेक्ट है, जो कि इसका जो मैक्सिमम टाइम ये जो है बिताता कहाँ पे ना, अंडरग्राउंड में बिताता है। एंड ये क्या करता है ना, इमर्जिंग फ्रॉम द सॉयल जो है मेनली टू मेट। सो ये बाहर किस लिए आता है ना, ओनली मेट के लिए आता है। देन वंस जो है आउट फ्रॉम द जो है ग्राउंड, देयर लाइफ स्पैन इज फेयरली शॉर्ट हो जाता है। सो वो ये क्या है ना, बहुत ज्यादा टाइम क्या है ना, अंडरग्राउंड में रहता है, एंड जब भी बाहर आता है उसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या है ना, कम हो जाता है। सो देखा गया है कि समूह 2 to 4 weeks ये कम हो जाता है। एंड एट प्रेजेंट देखेंगे 15 एक्टिव डॉट्स है जो कि सीसा डेस्क का है। एंड जो है कि दिस सीसा डेस्क आर सम ऑफ द गोन एक्सटिंक्ट हो गए 15 एक्टिव डॉट्स। एंड ये जो इंसेक्ट है कहाँ पे मिला जाता है ना, अमेरिका में एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ये। सो ये जो है 13 एंड 17 ईयर्स जो है ये रिफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स सीसा डेस्क जो है नाइम्पाजा। इनको क्या है, ये जो है 13 से लेकर 17 साल किस लिए रहते हैं, ये अंडरग्राउंड में रहते हैं, क्योंकि इनको क्या है, इनको डेवलपमेंट होने के लिए, अडल्ट होने के लिए इतना टाइम लगता है। सो अभी तक रिसर्चर्स ने ये प्रूव नहीं कर पाया कि इनको इतना टाइम क्यों लेता है कि इनको अडल्ट होने में। ओके, सो बेसिकली ये क्या करते हैं ना, अवॉइडिंग द प्रेडेटर्स अबव द सॉइल जो है के लिए वो क्या है ना, अंडरग्राउंड में रहते हैं। सो ये अंडरग्राउंड में तो रहते हैं, कैसे खाते हैं वो लोग ना, ये क्या करते हैं ना, जो प्लांट रूट होता है उसमें जो है सांप, सांप मींस क्या है ना, उसका जो रस है उसको लेके फीड्स करके ये जिंदा रहते हैं। सो इनका जो डेवलपमेंट पीरियड्स जो है ये 13 to 17 ईयर्स है। एंड सीसा डेस्क जो है नाइम से कंस्ट्रक्ट है, सीसा डेस्क हॉट करते हैं, देन बोरो देयर वे फ्रॉम द सॉइल एंड क्लाइम इन टू द नियर बाय ट्री एंड वेजिटेशन।
ये क्या करते हैं ना 13 to 17 ईयर्स के बाद ये क्या बाहर आते हैं जो कि सॉइल में आते हैं, देन उसके बाद ये क्या है ना कोई पेड़ में जो है पेड़ में जाके क्लाइम करके वहाँ पे जो नियर बाय जो वेजिटेशन है या ट्री में वो क्या है ना चढ़ जाते हैं। सो व्हाट हैपन व्हेन सिसाडेस एमर्ज, जब सिसाडेस जो है ये एमर्ज होते हैं तो क्या होता है। सो जब ये क्या है ना ग्राउंड से आते हैं मीन्स अंडरग्राउंड से निकलते हैं उस टाइम में क्या करता है ना उनका जो है आउटर स्किन क्या है ना जो विंग फॉर्म होता है ठीक है वो क्या है ना मिट्टी के अंदर जब रहते हैं उनका विंग नहीं रहता है, जब क्या है ऊपर आते हैं सॉइल में आते हैं तो उनका जो विंग है डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ओके सो वो क्या है ना बहुत जल्दी उनका जो है विंग्स बड़ा हो जाता है मींस निकल जाता है सो दैट ये उड़ पाते हैं। सो लाइफ स्पैन ऑफ एडल्ट जो है ये शॉर्ट हो जाता है जो ऊपर आता है एंड ये क्या है ना नियरली जो है 100 डेसिबल जो है ये साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं लाउड स्वान। जब क्या है दो जो मेल एंड फीमेल जो मेट करते हैं जो सिसाडस उसके बाद क्या होता है ना फीमेल जो है ये उसका क्या है ना एग्स देता है जो एग्स का साइज है 1/2 एंड 1/4 डायमीटर का देता है। वन फीमेल जो है इसका कैपेबिलिटी है 400 एग्स जो है इन द 40 to 50 डिफरेंट साइट्स में देता है वो। ये जो एग लेइंग करता है सिसाडस जो है ये सो दैट क्या हुआ ना ये जो सिग्निफिकेंट डैमेज करता है जो स्मॉल ट्विंग्स जो कि वहाँ पे जो है डैमेज करता है मेनी जो है ऑर्नामेंटल एंड हार्डवुड ट्रीज को, स्पेशली क्या है ना प्लांटेड जो है फ्रूट्स है ऑर्नामेंटल ट्री जैसे क्या है ना एप्पल है डॉग वुड है पीच है चेरी है पियर है ये सब का क्या है ना ये सीवियरली डैमेज कर लेता है इसका एग लेइंग से। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।